राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला इकाई के सदस्यों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में परिषद के जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को जुलाई माह से ही बकाए टीए को संसद सत्र में कैबिनेट से पास कराकर एरियर के साथ दिए जाए तथा पुरानी पेंशन बहाल किए जाए। इस अवसर पर रूपेश कुमार श्रीवास्तव, अश्विनी कुमार, वरुण वैरागी, जयराम गुप्ता, रजनीश बंटी श्रीवास्तव, संजय, अनुप, इजहार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, रूपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज मंडलायुक्त महोदय से मिलकर हमने ज्ञापन दिया है और मंडलायुक्त के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को दिया है कि हमारी जो बढ़ोतरी करने वाला है पुरानी पेंशन बहाल करें और डीए जुलाई के वेतन से प्रत्येक दशा में जुलाई माह के वेतन से एरियर के साथ कर्मचारियों और पेंशनर को डीए दिया जाए, आदि मांगों को लेकर हमने दिया है। अब माननीय कमिश्नर साहब उसको अपने संस्तुति के साथ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे।